जी आज करना है हम अस्सलाम लोग। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, नया एड हुआ है सिलेबस में 9618 के। पहले ये पेपर 4 में होता था, अब ये पेपर 2 में आ गया है। सबसे पहली चीज हमें समझनी है क्या है भाई डेटा टाइप्स। मैं जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते रहो जिसने लिखना है, बाकी सब नोट से कॉपी कर लेंगे। चलो पढ़ो पढ़ो, बस इतना काफी है तुम लोगों के लिए। एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डेटा। पहले लिख लो, फिर हम डिटेल में एक एक चीज को समझते हैं। कितने डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं हमारी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई बताएगा? चलो पढ़ लो बस। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का सर मतलब, अलग करना। हाँ बेहतरीन, किसी भी अनवांटेड चीज को हटाना। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, टू रिमूव एनी अनवांटेड डाटा। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में हम लोग कितनी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे? 3 डेटा टाइप्स पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट। कौन कौन सी? एक है आप लोगों की स्टैक, एक है क्यूज और एक है लिंक लिस्ट। ये 3 चीजें पढ़नी है हमें। अब एक एक चीज को हम लोगों ने डिटेल में समझना है। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैक से। अच्छा स्टैक्स को याद रखोगे कैसे? पहले इसको लिख लो सब, टाइम जाया नहीं करेंगे हम लोग इसमें जितना जल्दी कर सकते हैं। पहले इसको जल्दी से लिखो अपने पास सब। टाइमर पढ़ लो, टाइम नहीं जाया करो इतना। अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल सर आइटम, आज बोलो। अब नहीं, आप कंटिन्यू कर। A list containing several items operating on the last in first out. पहले इसके लिख लो last in first out क्या है, वो हम समझ लेंगे। last in first out principle हमेशा याद रखना, कहीं नोट करके लिख लो कि स्टैक कौन सा फॉलो करता है प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आइटम्स कैन बी एडेड टू द स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली पुश करना, एंड एंड रिमूव फ्रॉम द स्टैक जिसको हम लोग कहते हैं पॉप करना। द फर्स्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इज द लास्ट आइटम रिमूव फ्रॉम स्टैक। जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ इसको। यहाँ तक सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है। अगर वो आपसे पूछता है कि स्टैक को डिस्क्राइब करो, तो आप लोगों ने ये 3 लाइनें लिखनी है कि अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम्स ऑपरेटिंग ऑन द लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट सब याद हो जाएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं उसको। जल्दी से लिख लो, मुझे चैट पे जवाब दे देना जिस चीज का हो गया। देख रहा हूँ सर, देख रहा सर, आज अब जल्दी में लग। नहीं आज थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैंने थोड़ा तेज नहीं किया ना, बहुत ज्यादा है। अच्छा नोटेड, चलो बेहतरीन हो गया। जल्दी जल्दी चैट पे जवाब देते रहो अगर लिख लो तुम लोग, और लिख लो तो बेहतर ताकि याद भी होता रहे। चलो बेहतरीन। अब एक एक ना लंबी हो सकती है क्लास, अब हाँ शायद 11 तक जाए शायद। इससे फिर मुझे आज के उसके भी जो हम लोगों ने, हाँ बस थोड़ा ज्यादा ज्यादा नहीं है, बस खत्म हो गई क्लासेस आप लोगों की। आज मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगी, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा अब एक एक स्टैक को हम लोग गौर से देखेंगे। स्टैक बेसिकली होता क्या है? स्टैक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक बेसिकली बनाया जाता है एक एरे से, सही है? सब इसको दिमाग में रखो, एक पर्टिकुलर एरे होता है, उसके अंदर कुछ आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो वो बेसिकली स्टैक बन जाता है। क्या मतलब हुआ? अगर मैं एक प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर एरे पे लगा रहा हूँ, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ? अब एक एक इसमें आइटम हम लोग डाल के देखेंगे। एक स्टैक है, सपोज कर लो एक एरे है जिसके पास, आप लोगों के पास ये पहले लिख लो तुम लोग, बीपी और टीपी क्या होता है? बीपी से मेरा मुराद है बेस पॉइंटर, और टीपी से मुराद है मेरा टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा जो सबसे टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी मेरे पास आइटम पड़ा हुआ होगा उस पे पॉइंट कर रहा होता है। सिर्फ इसको यहाँ तक लिख लो, एक एरे है बेसिकली स्टैक जो कि आइटम्स कंटेन करता है, एक बेस पॉइंटर होता है और एक टॉप पॉइंटर होता है। अभी सिर्फ इतनी चीजें अपने दिमाग में बैठा। स्टैक को हम लोग अगर कोई भी एरे को अगर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रॉपर्टीज लगा दें, वो कैसे करेंगे? वो कोडिंग से होगी। वो अगर हम लगा दें तो वो बेसिकली उसको हम स्टैक कहते हैं, सही है?
अब एक एक ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर मैं कहूं पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना। पॉप का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना। यहां पे पढ़ो जल्दी से, द फर्स्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इज द लास्ट आइटम रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या समझ आ रहा है? जो सबसे आखिर में आइटम आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। क्या समझ आया? जो सबसे आखिर में आइटम आएगा, इसको जल्दी से समझने के लिए हम लोग पेनकेक वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ये पेनकेक है। स्टैक को हमेशा पेनकेक से याद रख लिया करो कि एक पेनकेक है, फिर उसके ऊपर एक और पेनकेक आया, फिर उसके ऊपर एक और पेनकेक आया। ये सब लेयर्स हैं बेसिकली। उसके ऊपर एक और पेनकेक आया। अब अगर मैं कहूं मुझे एक पेनकेक निकालना है, तो हमेशा मैं टॉप से निकालूंगा। जो सबसे आखिर में मैंने पेनकेक रखा होगा, जो लास्ट इन होगा, वही फर्स्ट आउट होगा। अब याद रहेगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला लॉजिक, जो भी सबसे आखिरी आइटम डालूंगा वही सबसे पहले निकलेगा, और जो सबसे पहले डालूंगा फर्स्ट आइटम था तो लास्ट आउट होगा, सबसे आखिर में निकलेगा ये। बस इतनी सी लॉजिक क्लियर है तो फिर स्टैक समझ आ जाएगा तुम लोगों को। तो उसको सारे आइटम्स ऊपर के निकालने पड़ेंगे और फिर वो आखिरी वाला खाएगा। समझ आई? वैसे तो मुझे पता है तफरी कर रहे हो, लेकिन बाकी सब समझ सकते हैं। अगर मुझे सबसे नीचे वाला आइटम चाहिए, सबसे नीचे वाला आइटम चाहिए, तो मुझे सबसे ऊपर की चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर वो सबसे आखिरी वाले को एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? सिर्फ लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली लॉजिक समझ आई? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। क्लियर है? अब अगर मैं कहूं यहाँ पे एलिमेंट नंबर 4 पे क्या था? इंडेक्स पोजीशन 4 पे 79 था। अब अगर मैंने कहा पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है? जो सबसे आखिर में डेटा आया है उसको कर दो पॉप, मतलब रिमूव कर दो। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इतना सा काम है मेरा बस। और टॉप पॉइंटर जो है वो नीचे चला जाएगा। जो सबसे टॉप पे मेरे पास आइटम मौजूद था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद टॉप पॉइंटर मेरा नीचे आ गया और बेस पॉइंटर अपनी जगह पर ही है। ये होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अब अगर मैं कहूं पुश 31, सही? पुश 31 का क्या मतलब होगा? पुश 31, हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो कि पुश 31 कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे टॉप से कोई भी डाटा आइटम आएगा। देख लो, मैंने किया पुश 31, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3182 के ऊपर आएगा और टॉप पॉइंट है मेरा एक पोजीशन पर चला जाएगा। ये तीन एग्जांपल्स क्लियर है? पॉप में क्या होगा? सबसे टॉप से आइटम निकलेगा, पुश करूंगा तो सबसे टॉप में एंटर होगा। टॉप से मतलब क्या होता है मेरा, सब याद रखें इसको। इंडेक्स पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। कोई मसला है इसमें? चलो, सब दिमाग में रखना है बस इतनी सी चीज को। लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। इसको एरे से, मैं जल्दी से एक रिकैप दे रहा हूँ, एक इसको एरे से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी, और इसके जो टॉप पॉइंटर है वो सबसे टॉप ऑफ द स्टैक को। हाँ, मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ। चलो, स्टैक बेसिकली क्या है? एरे होते हैं जिसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट की। वो कैसे लगाते हैं? वो हम लोग कोडिंग से लगाते हैं। उसको फिक्स कर देते हैं कि अगर मेरा हम जो भी आइटम ऐड करोगे वो टॉप से ऐड करोगे, और जो भी आइटम निकलेगा वो टॉप से ही निकलेगा। मतलब अगर अब मैं इस पर्टिकुलर एरे पे कहूँ पॉप, तो पॉप में कौन सी चीज निकलनी चाहिए? 79 निकलनी चाहिए। अब अगर मैं कहता हूँ पुश, पुश 31, तो हमेशा किस तरीके से डाटा आइटम आएगा इसके अंदर? हमेशा टॉप से आएगा। जहां पे भी टॉप पॉइंटर होगा उसमें +1 करके इंडेक्स पोजिशन बन जाती है आपकी, और वहां पे 31 आ जाएगा। कोई मसला इमाद? अब इसको लिख लो अपने पास, इसका जब सवाल देखेंगे ना तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट सब अपने दिमाग में रखें। स्टैक बेसिकली क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है। जल्दी से इसको लिख लो अपने पास। अ स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एंड सेट ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर कौन कौन से होते हैं?
ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर्स हैं, ये बेसिकली आपकी इंडेक्स पोजीशन बनते हैं, बेस पॉइंटर, टॉप पॉइंटर, इंडेक्स पोजीशन बनते हैं कि अगर टॉप पॉइंटर है तो टॉप पॉइंटर प्लस वन करो और इसके अंदर फिर डाटा आइटम स्टोर करो, और अगर मुझे कोई पॉप करना है तो फिर क्या होगा, टॉप पॉइंटर माइनस वन हो जाएगा। अब इसका सवाल देखते हैं, बहुत ही कोई बच्चों वाली चीजें होती हैं इसमें, जल्दी से देखते हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है इसमें। एक सवाल देखते हैं इसका, ये डाला है, सवाल देख कराऊंगा तो कुछ समझ आ जाएगा तुम लोगों को, डाला है अभी फिलहाल ये देखते हैं दो सवाल। अब गौर से देखो इसको, सब सवाल को पढ़ो। अ स्टैक कंटेन्स, एक पर्टिकुलर स्टैक है जो कि कंटेन कर रहा है द वैल्यूज रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो, सही है, और टॉप ऑफ स्टैक कहाँ है हमारा, येलो की तरफ हुआ हुआ है, सही है। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। अब वो कह रहा है पॉप, उसने सबसे पहले कहा शो द कंटेंट ऑफ द स्टैक इन पार्ट ए आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, कुछ उसने ऑपरेशंस यहाँ पे लिख दिए, उसने कहा पॉप, अब मुझे सब ये बताएं कि क्या चीज पॉप हो जाएगी, कौन सा आइटम इसमें से रिमूव हो जाएगा, चार्ट पे सब जवाब दो। इस पर्टिकुलर स्टैक में से सब डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, उसने कहा पॉप, सही है, सही है तानसारी, सही है हिमांत, अहमद जवाब चाहिए मुझे, उसने कहा पॉप, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, स्टैक के अंदर सबसे टॉप पे जो आइटम होता है वो पॉप हो जाता है, इसको हमने एक तरीके से पॉप कर दिया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, पुश पर्पल, पुश पर्पल का क्या मतलब हुआ, अब इसकी जगह पे पर्पल आ जाएगा। अब वो कह रहा है पुश ऑरेंज, पुश ऑरेंज ऊपर की तरफ आ जाएगा, हमेशा टॉप से आता है, कोई मसला, इसको यहाँ पे फिल कर दो जल्दी से, रेड फिर उसके बाद ब्लू फिर उसके बाद ग्रीन फिर उसके बाद पर्पल आएगा, येलो पॉप हो चुका था, फिर उसके बाद ऑरेंज, कोई मसला, इमाद कोई मसला, अहमद कोई मसला, अब्दुल्ला खान कोई मसला, हाशिम कोई इशू, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी हम सिर्फ एरेज वाला देख रहे हैं, फिर इसके बाद एक लिंक्ड लिस्ट के साथ भी स्टैक आता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलो अब इसको करो, शो द कंटेंट ऑफ द स्टैक फ्रॉम पार्ट ए आई आफ्टर दीज फर्दर ऑपरेशंस, उसने कहा दो दफा पॉप करो, दो दफा पॉप का क्या मतलब हुआ, पहले ऑरेंज पॉप हुआ फिर पर्पल पॉप हुआ, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, पुश ब्राउन, अब पर्पल की जगह क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा वो कर लूँ सेट, पर्पल की जगह ब्राउन आ जाएगा, फिर उसने क्या कहा पॉप, फिर से पॉप कर दिया हमने तो ब्राउन भी चला गया, अब कह रहे पुश ब्लैक, तो ब्राउन की जगह क्या आ गया, ब्लैक आ गया, क्या बना, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, बिल्कुल सही है हाशिम, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, ब्लू ग्रीन, कोई मसला, इसको छोड़ दो, अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसको, क्यों क्या होता है, इस सवाल में कोई इशू, इतनी सी चीजें तुम लोगों को जहन में रखनी है कि अगर स्टैक है तो कहां से पॉप होना है, कौन सा आइटम पॉप होना है, अगर पुश कर रहे हैं तो कौन से आइटम पहले आएंगे और कौन सा आइटम बाद में आएंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। चलो इसके बाद एक और सवाल देखते हैं, हेलो सबसे पहला बताओ भाई जवाब, डिस्क्राइब अ स्टैक स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है हम बता देंगे भाई, इसमें एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है जो कि क्या फॉलो कर रही होती है, जाहिर सी बात है दैट फॉलोस
लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. मसला है इसमें, सब पढ़ लिया हम लोगों ने. चलो द स्टैक इज रिप्रेजेंटेड. अच्छा अब एक चीज दिमाग में रखनी है, इंडेक्स की जो पोजीशन है ना, अगर वो एरे उल्टा करके भी दे दें तो तुम लोगों ने उसमें घबराना नहीं है. देखो इंडेक्स की पोजीशन ऑपोजिट हो गई है, तो मतलब क्या है, ये आखिरी आइटम है मेरा, अगर पॉप होगा तो फोर पहले पॉप होगा, समझ आई? अच्छा अब सबसे पहली चीज देखो, द स्टैक इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे इन द प्रोग्राम. द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज जीरो, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इन द एरे, स्टैक हो रहा है, सब याद रखें इसको. द करंट कॉन्टेंट ऑफ द स्टैक पार्ट्स एंड इट्स पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर आर शोन, सही है. डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द वेरिएबल स्टैक पॉइंटर, देखो स्टैक पॉइंटर किस तरफ पॉइंट कर रहा है, स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन फिफ्थ पे. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई स्टैक पॉइंटर जो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कौन सा अब आपके पास इंडेक्स पोजीशन फ्री है, ऐसे ही है. इट बेसिकली पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस. अगर हम गौर से देखें तो हमें खुद समझ आ जाएगा ये फ्री स्पेस ऑन द स्टैक, हमने बता दिया उसको भाई. आगे पढ़ते हैं, अब मेन सवाल स्टार्ट हो रहा है हमारा. अब उसने कहा एक प्रोसीजर है पॉप, उसने कहा कि एक प्रोसीजर है पॉप विच रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द स्टैक. द प्रोसीजर पुश और आइडेंटिफाई, पुश के अंदर एक कोई भी पर्टिकुलर आइटम आएगा, एड्स एन आइटम टू द स्टैक. अब वो कह रहा है द करंट कंटेंट ऑफ द स्टैक पार्ट्स एंड इट्स पॉइंटर्स, स्टैक पॉइंटर्स आर शोन, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है 5. अब वो कह रहा है यूज द टेबल बिलो टू शो द कंटेंट ऑफ द स्टैक एंड इट्स पॉइंटर आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज रन. उसने पहले कहा पॉप पॉप, दो दफा पॉप, कौन कौन सी चीजें चली जाएंगी, 4 जाएगा पहले फिर 3 जाएगा. अब हमारे पास कौन कौन सी जगह 3 और 4 खाली हो चुकी है, स्टैक पॉइंटर में क्या वैल्यू आ जाएगी 3. आगे देखते हैं, उसने कहा पुश लाइट 1, पुश लाइट 1 कहां पर आएगा, स्क्रू 3 की जगह पुश लाइट 1 आ जाएगा. ये हम लोगों ने पॉप कर दिए थे ना आइटम्स 3 और 4 पे जो थे, अब वहां पर क्या आ जाएंगे L1 आ गया, मतलब लाइट 1 पूरा लिखना है बस, मैं भी सिर्फ बेसिक चीजें करने के लिए, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे फिल करेंगे उसको, तो अभी सिर्फ एक रेफरेंस लेने के लिए हम लोग ने L1 लिख दिया उसको. उसके बाद उसने कहा पुश लाइट 2, तो इंजन आउटर को हम लोगों ने क्या किया हुआ था, पॉप किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाइट टू का भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लो. उसने कहा पुश व्हील 1, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ गया, व्हील 1 आ गया. फिर उसने कहा पॉप और पॉप, दो दफा पॉप का है उसने, तो व्हील 1 चला गया, L2 चला गया, क्या बचा, स्क्रू 1 स्क्रू 2 बैक केस एंड L1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्क्रू 1 स्क्रू 2 बैक केस और क्या है? और 3 पे आ जाएगा L1, मतलब लाइट 1 पूरा लिखना है इसमें. अब मुझे बताओ स्टैक पॉइंटर की क्या वैल्यू होगी, डायरेक्ट मैसेज करना सब, मार डायरेक्ट मैसेज, सब डायरेक्ट मैसेज करें, स्टैक पॉइंटर की क्या वैल्यू होगी, सही है तानसानी, सही है इमाद अब्दुल्ला शवाक, सही है, समझ आई? तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि वो उस पर्टिकुलर जगह को पॉइंट कर रहा था जहां पे फ्री जगह थी हम लोग पास, और हम लोगों ने देख लिया इस सिनेरियो में हम पास 4 है, तो हमने स्टैक पॉइंटर में वैल्यू 4 लिख दी. कोई मसला यहां तक? ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों के स्टैक और एरेस के. अब हम देखते हैं क्यूज के ऊपर बात करते हैं, स्टैक हो गया, अब क्यूज के ऊपर बात करते हैं. पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं क्यूज होती क्या है, उसको हम लोग एरे से समझेंगे. चलो क्यूज को याद रखा करो तुम लोग, स्टैक किससे याद रखोगे, पैनकेक से. अब क्यूज कैसे याद रखोगे वो देखो. अच्छा सबसे पहले इसके अंदर वो लिख लो, बस नॉर्मल चीज लिख लो, एक प्रिंसिपल इसका, बाद में इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे. फीफो, फीफो क्या है, फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट। अच्छा आप क्यू कैसे याद रखना है वो देखो, क्यू याद रखते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन से। सपोज करो ये बिजली जमा कराने की एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहला बंदा गया है ताहा, फिर उसके बाद आया है अहमर, फिर उसके बाद आया है अली, फिर उसके बाद आया है अब्दुल्ला बीडी, उसके बाद आया है इमाद। तो ये सारे लोग एक पर्टिकुलर, चलो इजी पैसा बोल दो भाई, कोई भी एक लाइन है। अच्छा तुम वो कहना चाह रहे हो बिजली के बिल की जमा, कुछ भी कर लो भाई, अलबैक की लाइन कह लो, चलो ठीक है अलबैक की लाइन है, सही है ठीक है। सबसे पहला इस बंदे में से एक पर्टिकुलर लाइन में जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले बाहर आता है, ऐसे ही है, इस पर्टिकुलर लॉजिक से याद रखो। और जो जो सबसे आखिर में बंदा जाएगा वो सबसे एंड में निकलेगा, समझ आई? बस इतनी सी लॉजिक इसको याद रखो, जो सबसे पहले एक पर्टिकुलर लाइन में जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो ये कौन सी लॉजिक है? फीफो की। कौन सा प्रिंसिपल है ये? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको पहले लिख लो अपने पास ना, मैं तुम लोगों को इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ, अगर कोई पूछे कि क्यों क्या होता है वो हम लोग लिख सकें। पहले इसका प्रिंसिपल लिख लो, जल्दी से इसको लिखो, फिर मुझे बताओ, फिर हम एक एक उसका वो देखते हैं, एरेज की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको एरेस के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्यों। इसके अंदर भी हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, एरेस, और हम पॉइंटर्स की मदद से एक पर्टिकुलर क्यू बना सकते हैं। सही है, एक ये क्यू है जिसके अंदर सबसे पहला आइटम था 27, इंडेक्स नंबर 2 पे आइटम था 34, फिर इंडेक्स नंबर 3 पे आइटम था 82। या क्या हो गया, फिर नंबर 4 पे आइटम था 79। इसके अंदर दो पॉइंटर्स हैं, आरपी और एफपी। एफपी और आरपी क्या है, जल्दी से लिख लो अपने पास, एक है हमारे पास फ्रंट पॉइंटर, एक है हमारे पास रेयर पॉइंटर। सही है, अब अगर मैं कहूं डी क्यू करना है, डी क्यू का क्या मतलब होता है कि मुझे एक आइटम निकालना है, तो सबसे पहला आइटम क्या निकलेगा? चैट पे जवाब दो, सबसे पहला आइटम कौन सा निकलेगा? बेहतरीन ही मान, 27 निकलेगा, इतनी सी लॉजिक है बस। नहीं, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले निकलेगा। तो अगर मैं कहूं 27 निकल गया तो कैसा हो जाएगा आइटम? जो फ्रंट पॉइंटर है वो इंडेक्स पोजीशन 2 पर आ जाएगा, रेयर पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा ये देखो, ये डेटा जो है आगे नहीं बढ़ रहे होते, सही है, इसकी भी हम लोग अभी देखेंगे क्या मसला है इसमें, एक क्या प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर क्यू में। बेसिकली बस क्या होता है, फ्रंट पॉइंटर वो पीछे आ जाते, बोल देता है कि भाई ये जो है सबसे पहला आइटम हो गया। अब अगर मैं कहूं मुझे एक 31 बंदा है, एक 31 नंबर है, एक डाटा आया है, वो मुझे ऐड करना है, तो मैं कहां पे ऐड करूंगा, कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे ऐड करूंगा, जल्दी बताओ। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम ऐड करना है, कौन सी इंडेक्स पोजीशन में ऐड करूंगा? चैट पे जवाब, चैट पे जवाब, बस दिमाग छा गए तुम। ये लो जी, इंडेक्स पोजीशन 5th पे आएगा, कभी भी आगे जाके नहीं आएगा, 1 पे नहीं आएगा था आंसर। हमेशा याद रखो, कोई भी लाइन में अगर बीच में से तोड़ कर आता है तो वो अलाउ नहीं होता, हमेशा एंड में लगते हैं लाइन के। जो हमने ऊपर क्यू एक लाइन की मिसाल ली थी, वैसे ही बिल्कुल क्यूज के अंदर हो रहा था, हमेशा डाटा आइटम आखिर में आएगा और रेयर पॉइंटर जो है वो 4 से नीचे चला जाएगा। अच्छा देखो, अब ये एक मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है,
कि जो वन की जगह खाली हो रही है ना, ये हल हो सकता है। किस तरीके से हल होगा? वो है लिंगलेस का तरीका, वो हम लोग आगे सीख लेंगे। सर्कुलर क्यू कहते हैं उसे, वो हम लोग आगे स्टडी करते हैं। यहां तो कोई मसला तो मुझे बताओ। पहले लिख लो अगर उसका कोई सवाल आ जाए कि डिस्क्राइब क्यू, तो वो क्या करोगे? जैसे भी हमने ऊपर सवाल देखा था ना, लिखना कैसे इसको? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी होता है, वो हम लोग स्टडी कर लेंगे। अरेंजमेंट्स, लीनियर का मतलब है अरेंजमेंट्स का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली लॉजिक हो रही होगी। एन आइटम इज एडेड टू द एंड ऑफ द क्यू एंड एन आइटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट। इसको चेंज कर दो, फ्रॉम द फ्रंट कर दो, फ्रॉम द फ्रंट। ऑल आइटम्स आर केप्ट इन ऑर्डर दे आर एंटर्ड। इट हैज अ हेड पॉइंटर एंड अ टेल पॉइंटर, जिसको हम लोगों ने इस सिनेरियो में फ्रंट और रेयर से कंसिडर किया हुआ था। जल्दी से लिखो इसको, 4 मार्क का सवाल आ सकता है, ऊपर दिखाया था मैंने भी। बाद वाली जो है ना, वो थोड़ी मजेदार और मेन चीजें हैं। लिख लिया तो बता देना मुझे। चलो, इसके बाद जो अब हमें स्टडी करना है लिंगलेस। पहले इसकी थ्योरी लिख लो, फिर मैंने ना इसके अलग अलग केसेस बनाए हुए, उससे हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहले सिर्फ जो थियोरी वाला पार्ट है वो लिख लो अपने पास, बाद में जब इसको तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। लिंक लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम्स इन इन विच ईच आइटम इन द लिस्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट। इन अ लिंक्ड लिस्ट अ न्यू आइटम इज ऑलवेज एडेड टू द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। पहले सब लिख लो उसको, फिर मैं समझाता हूँ एक चीज। अच्छा जी, लिंक लिस्ट को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, नोड। एक पर्टिकुलर नोड समझते हैं क्या होता है। देखो, नोड के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जल्दी से पहले लिख लो, इसका नोड होता क्या है। यहाँ पे करते हैं इसको, अब यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम देना है, इसको हम थोड़ा हल्का लेके जाएंगे। नोड, एक नोड दो चीजें कंटेन करता है। क्या क्या कंटेन करता है? सबसे पहली चीज, वो डेटा कंटेन करता है। सपोज करो यहाँ पे एक डेटा है ए, और ये जो होता है ये बेसिकली पॉइंटर होता है। एक डेटा और एक पॉइंटर, इट यूज टू पॉइंट्स टुवर्ड्स मेमोरी। का पॉइंटर का काम क्या है? यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन। कोई भी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, वो हम लोग सीख लेंगे अभी। तो बेसिक नोड का कॉन्सेप्ट समझो अभी। एक नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डाटा और एक पॉइंटर, सही है। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर हम लोग बात करते हैं एक नोड की, जिसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं जल्दी से स्टडी कर लो। देखो, एक पर्टिकुलर नोड के अंदर, सिर्फ एक नोड की बात करें, एक ये लिंक लिस्ट है बेसिकली, सही है। एक लिंक लिस्ट के अंदर दो पॉइंटर्स हैं, कौन कौन से? ये है आपका नल पॉइंटर। अगर कोई और आइटम नहीं होता एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो उसको हम लोग पॉइंट करवा देते हैं नल की तरफ। नल पॉइंटर बेसिकली बताता है कि इसके बाद कोई और आइटम नहीं है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। स्टार्ट पॉइंटर क्या बताता है? कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रही है लिंक लिस्ट आपकी, सही है।
अब एक एक केस इसमें करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक और इसके अंदर मुझे एलिमेंट कनेक्ट करना है लिंक्ड लिस्ट सी के साथ, सही, मैं आपसे कह रहा हूं नाउ कनेक्ट वन मोर एलिमेंट एफ, तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो ये पॉइंटर सी एज इट इज आएगा, जो नोड था, ये आ गया आपका हमारा नोड जो कि सी। अब मुझे एक और नोड बनाना पड़ेगा, किसके लिए बनाना पड़ेगा, एफ के लिए, एलिमेंट एफ के लिए। मैंने एक और नोड बनाया, यहाँ पे नाम उसके अंदर डेटा वैल्यू चेंज कर दी जो कि है एफ। अच्छा, अब एक चीज याद रखो सब, कि पहला एक लिंक के अंदर आपने सारे जितने भी नोड्स हैं ना उनको एक लिंक बनानी, कैसे, जल्दी से उसको देखते हैं। स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी एंड सी विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एफ एंड एफ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, समझ आई। एक प्रॉपर आपने लिंक बनानी पड़ेगी सारे नोड्स के साथ। स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी एंड सी विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एफ एंड एफ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, क्या मतलब बता रहा है, नल क्या बता रहा है कि भाई इसके बाद कोई और एलिमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर नहीं है। आगे देखते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ नाउ कनेक्ट वन मोर एलिमेंट ए इन स्टार्ट, मैंने अब आपको एक जगह बता दी कि आपने स्टार्ट में करना है एडिशन, इसकी और डिटेल हम लोग लिखना कैसे इसको वो हम बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक कनेक्शन देख लो और एक लिंक बनाना सीख लो, सही। अब अगर मैं कह रहा हूँ नाउ कनेक्ट वन मोर एलिमेंट ए इन स्टार्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक नोड, यहां पे नोड बना लेते जल्दी से, अरे बाप रे बाप, ये बन गई एक नोड, इसके अंदर डेटा आइटम पड़ा हुआ है ए और ये उसका पॉइंटर। नाउ कनेक्ट वन मोर एलिमेंट ए इन स्टार्ट, ना इसके बाद कौन सा आएगा, एक नोड आएगा जो कि है बेसिकली सी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कनेक्शन सीख रहे हैं, ए पॉइंटर विल बी कनेक्टेड टुवर्ड्स सी और सी किससे कनेक्ट हुआ है, एफ से। सी विल बी कनेक्टेड टुवर्ड्स एफ एंड एफ विल बी कनेक्टेड टुवर्ड्स नल पॉइंटर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नल। कोई मसला यहाँ तक, इम्प्लीमेंटेशन और स्टेप्स कैसे हो रहेंगे वो हम एंड पे देखेंगे। चलो अब अगर मैं आपसे एक और चीज कहूँ, मैं कहूँ आपसे कि आपने एक और एलिमेंट कनेक्ट करना है डी, एलिमेंट डी कनेक्ट करना है, कैसे करोगे, सी और एफ के दरमियान करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने एक और पॉइंटर बनाना है, सी से आपने पॉइंट करवा देंगे डी और डी से पॉइंट हो जाएगा एफ की तरफ और एफ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल पॉइंटर। इसको जल्दी से देख लो, एफ और सी के बीच में आ जाएगा। हम लोग अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, एफ और सी के दरमियान आ जाएगा डी, एलिमेंट्स कनेक्ट कर लेंगे हम लोग डी और फिर एफ से, ये हमने लिंक बना दी यहाँ पे। यहां तक कोई मसला, अच्छा हाँ, अभी बेटा अभी रुको, तो सवाल देखना ना इसके, तुम अच्छा। अब अगर मैं कहूँ एलिमेंट डी को रिमूव करना है, ठीक, अब सवाल ये कर रहा हूँ कि एलिमेंट डी को रिमूव करना है, अब ये सब गौर से देखना, नाउ रिमूव एलिमेंट डी। एलिमेंट डी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट डी रहेगा वहां पे लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे, कैसे करेंगे देखो जल्दी से, डायग्राम को देखो, देखो ये रेस कर दूं, स्टार्ट पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ए की तरफ, ए जो है वो पॉइंट करवाएगा सी की तरफ और सी जो है एफ की तरफ करेगा, एफ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। अब हमारे पास डी था तो हमने उसको नल की तरफ पॉइंट करवा दिया,
किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना होगा तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, नल की तरफ पॉइंट करेगा। डेटा आइटम रहेगा वहां पे लेकिन नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे कि वहां पे बस वो एक अलग लिंक लिस्ट बन गई है, ये एक अलग लिंक लिस्ट बन गई है। कोई मसला इसमें? मैं इसको रेज कर दूं, साफ कर दूं थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है, लिंक लिस्ट को हम एक पर्टिकुलर एरे में कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजिंग लिंक लिस्ट इन एन एरे स्ट्रक्चर। सवाल कैसे आते हैं इसके, एक आपको एरे बना के दे देते हैं और वो कहते हैं आपसे कि इसको इनिशियलाइज करना है आपने, सही। एरे के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मिनट देना मुझे, ये आ गया आपका एरे। अच्छा मुझे आप लोग बताएंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक के अंदर है डेटा और एक है हमारा पॉइंटर, एक है हमारे पास हेड पॉइंटर। एक है हमारे पास फ्री पॉइंटर। और यहां पे उन्होंने इंडेक्स की पोजीशंस दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 49 and 50, सही। अब गौर से देखो, ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है ना, ये बेसिकली कैसे होती है, हम लोगों ने तुम लोगों ने मेरे ख्याल से सिर्फ अली वाजिद ने शायद नहीं पढ़ा हुआ, रिकॉर्ड डेटा टाइप सबने पढ़ी भी, कुछ याद है सबको? चैट में जवाब दो जल्दी से, रिकॉर्ड की डेटा टाइप सबको याद है? नहीं याद है तो मैं एक दफा जल्दी से रिकॉल कराऊं। हाँ देखो, रिकॉर्ड डेटा टाइप बेसिकली क्या होती थी, हम लोग एक अपनी डेटा टाइप खुद बनाते थे टाइप से इस्तेमाल करके। उसमें बेसिकली क्या होता था, अंदर की तरफ आपकी डेटा टाइप्स आती थी, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर डेटा टाइप मैंने यहाँ पे नाम रख दिया है, सपोज कर लो लिंक लिस्ट नाम रख देते हैं उसका, लिंक नाम रख देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता था, मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता था। सपोज करो मैंने एक डिक्लेयर किया इसके अंदर डेटा, जो कि बेसिकली टाइप होगी उसकी स्ट्रिंग, एक मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे पॉइंटर, पॉइंटर की टाइप होगी इंटीजर, तो एंड टाइप कर दिया। ये बेसिकली होती है रिकॉर्ड डेटा टाइप, और ये आप लोगों के पेपर टू का हिस्सा है, तो आप लोग उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो देख लीजिएगा, जिसने भी नहीं देखी वो रिवाइज कर ले इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, अब अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, डेटा टाइप उसमें इस्तेमाल करता हूँ ऑफ लिंक की, लिंक की, तो इसमें बेसिकली एरे मेरे पास कुछ ऐसा बनता है, एक उसके अंदर डाटा होता है और एक पॉइंटर होता है। अब सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि सवाल क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होता है इसका। अब वो कह रहा है हमसे इनिशियलाइज करनी है आपने इस पर्टिकुलर एरे स्ट्रक्चर को। अच्छा सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, वन जो है पोजिशन नंबर वन जो है वो किस पोजिशन पे पॉइंट करेगी, पोजिशन नंबर टू पे। पोजिशन नंबर टू किस पे पॉइंट करेगी, पोजिशन नंबर थ्री पे। हमेशा एक लिस्ट में चल रहे होते हैं ना, टू पॉइंट करती है थ्री पे, फिर थ्री पॉइंट करती है फोर पे, फिर फोर पॉइंट करती है फाइव पे, फिर सिक्स पे, ऐसी करके एक लिंक के अंदर हम लोग चल रहे होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो जब भी वो आपसे बोले कि आपने इनिशियलाइज करनी है लिंक लिस्ट को, तो आप क्या करते हो, वन टू उसके बाद वाली पोजिशन लिखते हो। थ्री किस पे पॉइंट कर रही होगी, फोर पे। फोर का पॉइंटर किसकी तरफ होगा, फाइव पे। अब 49 का पॉइंटर किसकी तरफ होगा, चैट पे जवाब दो, 50 पे। और 50 का पॉइंटर कौन बताएगा, गलत गलत गलत, बेहतरीन। बेसिकली जीरो पे पॉइंट कर रहा होगा, जीरो क्या कह लो, जीरो कह लो या नल कह लो, ईमान सही है। हमेशा आखिरी आइटम जो होता है वो किसकी तरफ पॉइंट करता है, नल की तरफ पॉइंट करता है, ईमान सही जवाब है, अब्दुल्ला खान सही जवाब है। तो हमेशा नल की तरफ। हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर बेसिकली किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो भी नल की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी कोई पर्टिकुलर आइटम उसके अंदर है ही नहीं हमारे पास एरे के अंदर। और फ्री पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट करेगा, जाहिर सी बात है वन की तरफ करेगा। क्यों करेगा,
क्योंकि वो पहली जगह है जहां पे डेटा आइटम स्टोर हो सकता है। तो इसकी जो फ्री पॉइंटर है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा पोजीशन नंबर वन की तरफ। ये हो गई आपकी इनिशियलाइजिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरे स्ट्रक्चर। अब इसकी मेन सवाल कराता हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए। अच्छा, इसके जो सवाल आते हैं ना लिंक्ड लिस्ट के, वो अलग भी आते हैं, सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं लिंक्ड लिस्ट के, या आ सकता है आपका अल्लाह भला करे लिंक्ड लिस्ट आ सकता है स्टैक के साथ, लिंक्ड लिस्ट आ सकता है क्यू के साथ। पहले एक सवाल देखते हैं हम लोग। नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड लिस्ट का, पढ़ो सवाल जल्दी से सब। सवाल पढ़ो जल्दी से। लिंक लिस्ट बनानी जिसके अंदर ये सारे आइटम्स हैं, नूशी, कैली, ऐड आइटम, स्कारलेट, रिमूव आइटम नूशी, ऐड आइटम जॉन। तब पढ़ लेना, एक एक चीज आपकी मैटर कर रही होती है। उन्होंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं, सही है। एक रफ मुझे आप लोग बना के दो कि क्या बनेगा, तुम लोग मुझे बना के दो। रिमूव आइटम नूशी से सब समझ जाएं कि ये कौन सा केस है, जिसमें हम लोगों ने ऊपर देखा था ना रिमूव एलिमेंट डी, बिल्कुल सेम एज इट इज नूशी के साथ होगा। अब आप लोग मुझे बना के दिखाओ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना समझ आया अभी तक। सब बना के व्हाट्सएप करें, एक पेज ले लो जहाँ पे मुझे ये इसकी लिंक लिस्ट बना के देनी है आपने। सबसे पहला आइटम कौन सा होगा, स्टार्ट पॉइंटर से किस आइटम पे जाएगी, फिर उससे किस आइटम पे जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सब दिमाग में रखें। और अगर रिमूव आइटम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर नोड को कैसे आप लोग नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे, वो सब मुझे ड्रॉ करके जल्दी से व्हाट्सएप करो ताकि आगे बढ़ सकें। जल्दी से बनाओ और भेजो। अच्छा, अब्दुल्ला का आ गया है, अब्दुल्ला अशफाक साहब आपका बिल्कुल सही जवाब है, कैली कैली से जाएगा, स्कॉलर स्कॉलर से जाएगा, नोशी सही है। जल्दी जल्दी भेजो सर। इमाद तुम्हारा आ गया, नहीं इमाद लिंक लिस्ट बनानी थी, एरे के अंदर नहीं बनाना, लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट कहलाती है, देखो उसको जल्दी से, ये लिंक लिस्ट है, वो एरे के साथ थी, इस फॉर्म में चाहिए मुझे। इमाद जल्दी से फिर से बना के भेजो, मैं सिर्फ लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ लिंक लिस्ट ऐसे बनेगी, एरेज के साथ इम्प्लीमेंटेशन वो अलग कॉन्सेप्ट है। जल्दी भेजो सब। अरे भाई कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को, इमाद अब सही है,
नहीं लेकिन इमाद तुम्हें भाई क्या हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है, तो जे पहले आता है या के पहले आता है? इमाद फिर से ट्राई करो इसको, इन आइटम्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, तुमने बिल्कुल सही बनाई है लेकिन अल्फाबेटिकली अरेंज करो इसको, कौन सा आइटम पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। मैं फिर से ट्राई करो, नहीं आप लोग भेजना पसंद करेंगे? मसला नहीं, गलत वलत भी भेज दो, कोई ऐसे इशू नहीं, करना तो है ना। अहमर, हाशिम, अब्दुल्ला खान, जॉन करेगा सही है, फिर करेगा फिर इसका लड़का, बेहतरीन बनाई है, थोड़ी बहुत चीजें हैं उसमें सही कर लेना, अभी सही है। तान सारी वही गलती, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं किया हुआ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अब्दुल्ला खान साहब, हाशिम साहब, क्या हो गया तुम लोगों को? अहमर नहीं समझ आया तो बोलो ना भाई, इतना ही बता दो कि बना रहे हो। बना रहे हैं सर। मैं तुम्हारी आ गई है, स्मार्ट वंटर बेहतरीन सही है, लेकिन नुशी का है भाई, नुशी को भी तो तुमने वो करवाना था, रिमूव आइटम। चलो मसला नहीं, अब मैं बना के दिखा देता हूँ, सही है वैसे तकरीबन, सिर्फ अब्दुल्ला खान तुम्हारी पे आ गई, सही है सही है, ठीक है, बस थोड़ी सी गलती की हुई तुमने, नुशी को हटाया वही नहीं उसमें। आज हम तुम्हारी देख लेते हैं, सेवन जॉन्स, नुशी को कर दे, चलो अब देख लो इसको भाई साहब। सबसे पहले उसने कहा एक लिंक लिस्ट बनानी है, मैंने मैंने बनाई, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर आएगा, किसी का और का आया है, अब सही है, आंसर सारी अब सही है, सबसे पहले आएगा स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट करेगा? नुशी, कैली और स्कारलेट, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? आपका अल्लाह भला करे, पहले आएगा हमारा केली, कौन सी? हाँ तुमने बस वही गलती की हुई है, पहले आ गए हमारे केली बाजी, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना था हमने, यहाँ पे लिख दिया केली। उसके बाद कौन से आएंगे? क्या गलत भाई, वो तो सही है, वो तो एंड में आएगा ना, तुम एंड की बात कर रहे हो ना, एंड वाली तो ऐसे बनेगी, मैं स्टार्टिंग से बना के दिखा रहा हूँ, वो तो आखिर में आएंगे ना। चलो एक काम करो, इसको सबसे आसान तरीका एक काम करो कि एक साथ ही बना लो, स्टार्ट पॉइंटर जो होगा, बाकी सारे ऐड आइटम्स वाले पहले आइडेंटिफाई करो, जॉन,
फिर स्कारलेट, फिर कैली, फिर नोशी। हाँ हाँ वो सही है, मैं वो कर रहा था इमाद, शुरू से बना रहा था एक एक लाइन बाय लाइन। चलो स्टार्ट पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट करेगा? तुम लोगों की तरफ से जो जवाब आया है वो जॉन की तरफ। क्यों? क्योंकि जॉन जो है वो सबसे पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग करें तो जॉन पहले आता है। जॉन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा? कैली की तरफ पॉइंट करेगा। कैली का वो बना लो एक नोट। बाकी हाशिम तुम अपना सही कर लेना इसे। कैली की तरफ पॉइंट करेगा। और कैली किसकी तरफ पॉइंट करेगा? स्कारलेट की तरफ पॉइंट करेगा। इनके दरमियान कहीं पे नुशी ने आना था, लेकिन हम उसको अब रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करते थे? रिमूव हम लोग करते थे नुशी को नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट करवा के, और स्कारलेट की तरफ भी नल पॉइंटर आ जाएगा। कोई मसला है इसमें? इसके बाद का सवाल देखते हैं। अच्छा ये आप लोग करके दोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़ा है ही भी है। एक रिकॉर्ड टाइप आपने बनानी है लिस्ट नोड की। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? अगर लिस्ट नोड, अगर एरेज में हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमें उसके अंदर दो चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? एक डेटा और एक पॉइंटर, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। कर दो जल्दी से सब। टाइप क्या सूट कोड होता था रिकॉर्ड बनाने का? टाइप, उसके बाद नेम, उसका पर्टिकुलर नेम आ गया। लिस्ट नोड हमें बनानी थी, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक डेटा, हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया अंदर डेटा, डिक्लेयर डेटा। डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। और इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। एंड टाइप, जब भी हम टाइप को स्टार्ट करते हैं हम बंद भी करते हैं। कोई मसला इसमें? अच्छा अब ये वाला सवाल आप लोगों ने करके देना है। राइट एन एरे डिक्लेरेशन टू रिजर्व स्पेस फॉर 50 नोड्स इन एरे नेम लिस्ट। एक एरे है, उसके अंदर हमें 50 नोड्स बनाने हैं। हम कर देंगे भाई इसको आसान ही। तो एरे बनाया हमने, डिक्लेयर नेम लिस्ट, 1 से 50 तक चाहिए हमें। और इसकी डेटा टाइप कौन बताएगा? ऑफ। डेटा टाइप क्या होगी इसकी? इमाद, अहमद, नहीं, इसकी डेटा टाइप हमने अपनी खुद बनाई है। इसकी डेटा टाइप होगी लिस्ट नोड। नोट्स की बात हो रही है ना, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग एरे बनाते हैं, नहीं मां देख लो उसको, लिस्ट नोड इसकी डेटा टाइप होगी। अगर नोट्स की बात हो रही है ना, 50 नोट्स का डेटा स्टोर करना है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरे को ऐसे बनाना है, तो इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखवाई थी तुम लोगों को? अभी बताया था ऊपर, इसकी डेटा टाइप मैंने रखवाई थी लिंक्ड। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो हम लोगों ने नीचे भी किया, इसकी हमने डेटा टाइप रखवा दी लिस्ट नोट्स। कोई मसला इसमें? इमाद अब क्लियर है? ये वाला सवाल हो जाएगा, इनिशियलाइज करने को कह रहा है वो। 1 will be pointing towards 2, 2 will be pointing towards 3, 3 will be pointing towards 4, 4 will be pointing towards 5, 49 will be pointing towards 50, 50 will be pointing towards null. हेड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। कोई मसला इसमें? ये तो आसान है, इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने ऊपर सीखी भी है। अच्छा नल लिख दिया करो या जीरो लिख दिया करो, कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, कोई इशू नहीं। लेकिन एरे के अंदर हम लोग नल नहीं लिख सकते, तो हम लोग जीरो ही इस्तेमाल करते हैं। कोई मसला यहाँ तक? अब हमें एक सवाल करना है लिंक लिस्ट विद स्टैक, और एक करना है लिंक लिस्ट विद क्यू। सबसे पहला देखते हैं लिंक लिस्ट विद स्टैक।
कौन चला गया? हिमाद साहब चले गए। सवाल अपलोड कर रहा हूँ, उसको देखो जल्दी से। कॉन्सेप्ट वही होगा इस्तेमाल लीफो वाला। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। सब दिमाग में रखो, बस उसकी जो पॉइंटर्स हैं हमें उनको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। चलो आओ देखते हैं इसको, पढ़ो जल्दी से सब। A stack EDT has these associated operations: create stack, add item to the stack मतलब push, remove item from the stack मतलब pop. The stack EDT is to be implemented as a linked list of nodes. सही है, पहले हम लोगों ने किससे सीखा था stack की implementation? Arrays से। अब हम लोग कर रहे हैं linked list से। जल्दी से पढ़ लो इसको। हो गया, अब सवाल कर रहा हूँ ये मेरा। अब देखो, उसने कहा पुश अली। पुश अली कहाँ पे होगा? सबसे नीचे की तरफ। अली आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखो, उसने कहा हमसे पुश जैक। जैक आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमसे कहा उसने पॉप। जैक चला गया बाहर की तरफ, निकाल दिया उसको हमने। इसके बाद उसने कहा बेन। बेन आ गया यहाँ पे। इसके बाद उसने कहा पुश अहमद। अहमद ऊपर की तरफ आ गया। इसके उसने कहा पॉप। अहमद को हमने निकाल दिया। उसने कहा पुश जतिंदर। जतिंदर को हमने डाल दिया। अब एक चीज सीखनी है इसमें, आखिरी वाला हम लोगों के पास वो कौन सा है? एक लिंक लिस्ट बन गई है, तो इसमें हम लोगों का अली जो है वो बिल्कुल लास्ट आइटम है, वो पॉइंट कर रहा होगा नल की तरफ। और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर एक होता है जो कि सबसे टॉप ऑफ द स्टैक को आपको बताता है। इतना सा काम करना था इसके अंदर, कोई मसला? सारा वही कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैक के अंदर हो रहा होता है। इमाद फिर से रिपीट करूं, तुम अभी अभी आयो, फिर से करके दिखाता हूं। डिक्लेरेशन फिर से करूं, ऊपर वाली, ये कौन सा पार्ट? सी या पार्ट डी? पार्ट सी या पार्ट डी? पार्ट सी। देखो उसने क्या कहा था, मैं एक एरे को हमें डिक्लेयर करना था, 50 नोट्स थे उसके। हमने एक एरे का नाम रखा डिक्लेयर नेम लिस्ट, 1 से 50 तक का था। उसने बोला वो 50 नोट्स, और नोट्स की बात कर रहा है ना, तो हम लोग इसके अंदर डेटा टाइप कौन सी रखते हैं? जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट की हुई होती है एरे के लिए, बेसिकली ये वाली डेटा टाइप मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया था, अगर हमें एक एरे बनाना होता है जिसके अंदर डेटा और पॉइंटर की दोनों वैल्यूज आ रही हो, तो हम लोग एक अपनी डेटा टाइप बनाते हैं जो कि लिंक्ड होती है बेसिकली, और उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं हम लोग एरे के लिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। टाइप लिस्ट नोट, हमने एक अपनी डेटा टाइप बनाई, डेटा टाइप बनाने के बाद उसी को इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। समझ आई? क्योंकि एक पर्टिकुलर नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक डाटा और एक पॉइंटर। तो हमें दोनों चीजों को करना था। चलो ये वाला सवाल तो हो जाएगा ना, इनिशियलाइज करना है 2, 3, 4, 5, उसके एक एक आगे के वाले पोजीशंस, और एंड वाले को नल की तरफ पॉइंट कर दोगे, फ्री पॉइंटर को वन की तरफ पॉइंट कर दो। मतलब चलो अब इसको ना एक एक स्टेप को फिर से करते हैं। उसने कहा एक स्टैक बनाना है बाय यूजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो उसने सबसे पहली चीज कहा पुश अली। अली कहाँ पर आ जाएगा? सबसे नीचे की तरफ अली आ जाएगा, और टॉप ऑफ स्टैक जो पॉइंटर है, टीपी में लिख देता हूँ, विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अली, एंड अली विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। सही है, अभी फिलहाल पहली हमने लाइन की है। अब उसने कहा पुश जैक। टॉप ऑफ पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जैक, एंड जैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अली, और अली जो है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सही है, इसके बाद क्या देखते हैं। उसने कहा पॉप। पॉप का मतलब क्या है? टॉप पॉइंटर वापस से नीचे आ गया, और आपका जैक जो है, जैक उसने पॉप कर दिया। हमने इसको साइड पे किया और इसको हटा दिया। इसके बाद की चीज देखते हैं। उसने कहा हमसे पॉप कर दिया, फिर हमने कहा पुश बेन। बेन आ गया यहां पे,
top of stack a pointer will be pointing towards Ben, and Ben will be pointing towards Ali. सही है, इसके बाद क्या देखते हैं. उसने कहा अहमद पुश अहमद आ जाएगा यहां. टॉप स्टैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अहमद पॉइंट कर रहा होगा बेन की तरफ. अब उसने कहा पॉप का मतलब क्या है, टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर नीचे आ जाएगा, अहमद साहब पॉप हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है इसमें. अब उसने कहा पुश जतिंदर को ऐड कर दो यहाँ पे, जतिंदर यहाँ पर आ गया. टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक की तरफ पॉइंट करेगा, जतिंदर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स बेन. कोई मसला, तारा कौन सा वही स्टैक वाला ही है. हाँ हाँ डायरेक्ट ही कर सकते, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था भाई, मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि टॉप स्टैक कैसे मूव करता है और लिंक्स कैसे बनेंगी. चलो इसके बाद वाला सवाल देखो जल्दी से. इनिशियलाइजेशन करनी है एरे की, फिर से वही सारा सेम सवाल आ गया. इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज देखो स्टैक के अंदर क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. पॉइंटर्स तो वही सारे आपके इस्तेमाल हो रहे होंगे जैसे लिंक लिस्ट में आप लोगों ने किया था. वन का जो है वो टू की तरफ करेगा, टू जो है थ्री की तरफ करेगा, थ्री जो है फोर की तरफ करेगा पॉइंट, फोर जो है फाइव की तरफ करेगा, फाइव जो है सिक्स की तरफ करेगा, सिक्स जो है सेवन की तरफ करेगा, सेवन जो है एट की तरफ करेगा, एट जो है नाइन की तरफ करेगा, नाइन जो है टेन की तरफ करेगा. अब जो टेन है वो इलेवन की तरफ नहीं करेगा, किसकी तरफ करेगा, नल की तरफ करेगा. अच्छा टॉप ऑफ स्टैक कहाँ करेगा, कोई आइटम ही नहीं तो भाई नल की तरफ करेगा. जब इसमें आइटम आ जाता, सपोज करो यहाँ पे आइटम होता फोर, तो टॉप ऑफ स्टैक किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता, फोर की तरफ, वन की तरफ कर रहा होता. जब तक कोई आइटम नहीं है तो टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, जो कि बेसिकली जीरो होता है हमारा. और फ्री पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, जल्दी से चैट पे जवाब दो सब, फ्री पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, चैट पे जवाब. अंसारी साहब बिल्कुल सही जवाब, फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्री स्पेस, तो वो है आपका वन. कोई मसला इसमें, मिल गया आपको चार मार्क्स. आगे बढ़ते हैं लिंक लिस्ट विद क्यूज. अब इस पे चेक करते हैं. अब यहां से देखो इसको, सवाल पढ़ लो जल्दी से सब. अब सेम सवाल है जो हमने ऊपर किया है, लेकिन अब किस में है, क्यू के अंदर है. सही मत, बेहतरीन इमान, बेहतरीन. ये ऊपर से स्टार्ट होगा, बस इतना सब फर्क है इसमें. बेहतरीन ऊपर से स्टार्ट होगा, लेकिन क्यू वाली जो लॉजिक्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली लॉजिक को दिमाग में रखना. सही, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं. एड नेम अली, स्टैक है, स्टैक हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां पर आ जाएगा अली. फिर उसने कहा जैक, एड नेम जैक, हमने जैक ऐड कर दिया. अली विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जैक, जैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल. तो ये मैं इसको थोड़ा अब डायरेक्ट करता हूँ, इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, वरना समझ तो आ गई होगी अब आप लोगों को. उसके बाद उसने कहा एड नेम बेन, बेन ऐड कर दिया. उसने कहा एड नेम अहमद, अहमद ऐड कर दिया. उसने कहा रिमूव नेम, कौन सा नेम रिमूव होगा, बस उसने रिमूव नेम कहा, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया. जल्दी चैट पे जवाब दो, अली रिमूव होगा, जाहिर सी बात है. क्यों, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अली को हमने रिमूव कर दिया, ये अली साहब रिमूव हो गया यहाँ पर. अब उसने कहा एड नेम जतिंदर, जतिंदर हमने ऐड किया यहाँ पे. ऐड कहाँ से होगा, बिल्कुल आखिर से,
तो जतेंद्र ऐड कर दिया हमने, सही है। अब उसने कहा रिमूव नेम, कौन सा नेम रिमूव करना है, जैक को रिमूव कर देंगे हमेशा, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली लॉजिक। बेन विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अहमद, अहमद विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जतेंद्र, जतेंद्र विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। दिस इज अवर हेड पॉइंटर, बेन जो हमारा हेड पॉइंटर है, और ये है हमारा टेल पॉइंटर जो कि जतेंद्र की तरफ पॉइंट कर रहा है। मसला इसमें ये हो गया आपका क्यू विद एरेज और क्यू विद लिंक्ड लिस्ट, दोनों हो गए। चलो इसके बाद वाली चीज देखते हैं। ये सवाल बताओ भाई, बहुत ही बच्चों वाली चीज हो गई, अब तो ये रट गया मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 की तरफ, 8 की तरफ, 9 की तरफ, 10 की तरफ, और ये नल की तरफ। हेड पॉइंटर कोई आइटम है ही नहीं एरे में, तो कहाँ पे करेगा, नल की तरफ। टेल पॉइंटर कोई है ही नहीं, तो कहाँ पे करेगा, नल की तरफ। थ्री पॉइंटर है हमारे पास, वो वन की तरफ कर देगा। फिर मसला 4 मार्क्स के भी मिल गए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ना मेन चीज स्टार्ट हो रही है, ये है आपका। अब जो मैंने जो पेपर देखे थे इसके 2021 वाले, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लो। इंसर्शन ऑफ अ नोड, हमें आता तो है कि हमने ऐड कैसे करना है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, वो ले लो। सही। अब एक सपोज करो एक लिस्ट है हमारे पास, अब्दुल्ला अशफाक तुम्हारे लिए यहां से थोड़ा बहुत नया होगा, वो भी शायद। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, उसका स्टार्ट पॉइंटर जो है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है बी की तरफ। बी पे क्या मेमोरी एड्रेस क्या है, 100, और बी का जो मेमोरी एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है 2000 की तरफ। 2000 मतलब पॉइंटर नंबर सी की तरफ, सी की तरफ पॉइंट कर रहा है, नोड सी की तरफ पॉइंट कर रहा है, सही है। और सी जो है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं कहूँ मुझे बिगनिंग में ऐड करना है एक नोड, कहना तो आसान है, करना भी आसान है, मतलब डायग्राम वाइज करें बस, एक उठा के हम डाल देंगे और ए का जो पॉइंटर है विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी, और जो स्टार्ट पॉइंटर है विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, सही है। लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करना है वो बेसिक चीज़ समझनी है हमें। बहुत वैसे सूडो कोड लिखने को नहीं कहता, लेकिन इसने थोड़ी बहुत लॉजिक आप लोगों को हो। अच्छा सपोज करो मुझे एक नोड है जो कि ऐड करना है 3000, एक उसके मतलब एक नोड है ए, एक प्रॉपर एक लिस्ट होती है। पहले आप लोगों को एक अलग से लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर फर्स्ट आइटम क्या होगा ए, उसकी पोजीशन क्या है 3000, मेमोरी लोकेशन हमने बताई हुई, और इट इज राइट नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। तो देखो सबसे पहला स्टेप इसका लिखो जल्दी से, मैं लिखवा रहा हूँ। स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, और अगर वो आपसे लिखने को कहना कैसे करोगे तो ये भी आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंटर ऑफ ए को कनेक्ट करेंगे पॉइंटर ऑफ बी की तरफ बाई यूजिंग द एड्रेस इन द स्टार्ट पॉइंटर। क्या मतलब, स्टार्ट पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस था, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कैसे आएगा, बाय यूजिंग द एड्रेस व्हिच इज अवेलेबल इन द स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, सही है, लिख दिया हम लोगों ने भाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू देखो जल्दी से, then we will point the head pointer to b using temp pointer। ये basically एक मेरा temporary pointer था। अब मैं क्या करूँगा, start pointer की जगह ये कह दूंगा बस, basically अगर normal बात करें इसमें तो start pointer is equal to temp pointer, ऐसे करके मैं कह दूंगा। तो वो basically क्या होगा, start pointer जो है उसके अंदर value आ जाएगी, ऐसे point करने लग जाएगा आपको a की तरफ, A will be pointing towards B की तरफ, और ये वाली लिंक हट जाएगी। समझ आई, तो ये दो स्टेप्स जल्दी से लिख लो, और इन दोनों को सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसका भी सवाल देख लेते हैं, अगर आगे सवाल। कोई मसला इन दोनों स्टेप्स में,
अगर वो कहे एक आपने इंसर्शन करनी है बिल्कुल बिगनिंग में, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले पॉइंटर ऑफ ए को पॉइंट करवाओगे बी की तरफ, फिर उसके बाद स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट करवाओगे ए की तरफ। स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है, मतलब पहला स्टेप वही होगा जो मैंने लिखा है। वही आपने पढ़ाया तो था, लेकिन ये टेम पॉइंटर वाली क्या चीज है ये मैं समझ गया। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सूडो कोड से बेसिकली लॉजिक है ये। मतलब समझ लो कि अगर मुझे पॉइंटर की वैल्यू चेंज करनी है, देखो एरो से थोड़ी बनी हुई होती है लिंक लिस्ट, एरो से लिंक लिस्ट थोड़ी बनी हुई होती है, एड्रेस से बेसिकली काम हो रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है किसी भी, अगर वैसे तो हम लोग बना लेंगे, हम लोग को बनाने में क्या, अगर मैं तुमसे कहता कि ए को ज्वाइन करना है, तो मैंने पहला केस तो कराया वैसे में ये वाला, तो हमने इसमें एरो से तो सीख लिया था, लेकिन बेसिक लॉजिक क्या लग रही होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम पेपर 4 के अंदर सीखेंगे, मुझे नहीं लग रहा था कि ये उसमें देगा 5 पेपर्स के अंदर सूडो कोड से रिलेटेड सवाल। बेसिक वो उसने सवाल दिए हैं, लॉजिक के ऊपर बात की है, सिर्फ सूडो कोड में लॉजिक क्या लगेगी। जब भी उसके रिसेंट पेपर आए तो उसका तो वैसे तो बेसिक उसका जो सवाल था जो कि पास पेपर के अंदर आया था अभी 2021 में, वो था कि बीच में मुझे ऐड करना है। लेकिन अब पॉसिबल ये है कि वैसे आप लोगों के 3 केसेस पढ़ाए जाते हैं इंसर्शन के अंदर, पेपर 4 में जो पढ़ाए जाते थे वो कौन से थे? इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द बिगनिंग, इंसर्शन ऑफ द नोड इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, और इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द एंडिंग। उन तीनों के अलग अलग प्रोग्रामिंग होती थी। तो अब मुझे जो लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, तो मैंने उसको नोट्स के अंदर अपने डाल दिया कि अगर बिगनिंग में ऐड करना है तो कैसे करेंगे और बीच में ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सही है। अच्छा, ताल सारी मैं रिपीट कर देता हूँ, रेज करो पहले भाई सब। तो अब हम तैयार रह रहे हैं बेसिकली एक तरीके से, अगर पेपर में आ गया तो क्या करना है। सही है, ताल सारी अब देख लो उसका। एक हम लोगों ने बेसिकली काम किया, हमें एक नोड है जो कि ए नोड है हमारे पास, उसको मुझे ऐड करना है इस एरिया में, स्टार्टिंग में ऐड करना है इन द बिगनिंग। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर ए को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा मैं? 1000 कर दूंगा। और ये कैसे कर सकता हूँ? ये 1000 मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता सकती है, वो है स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल होता है जो हम इनिशियलाइज करवाते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली क्या हो गया, हमने उसको वैल्यू को कहा कि स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली अब जो है वो पॉइंट कर रहा है, ए का जो पॉइंटर है विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स बी। बेसिकली अभी हमने ये वाली लिंक बनाई है, और कोई लिंक नहीं बनाई अभी तक। इसके बाद हम लोग एक स्टेप करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप कौन सा करेंगे? हम कहेंगे स्टार्ट पॉइंटर जो है वो बेसिकली इक्वल है टेम पॉइंटर के। टेम पॉइंटर क्या है? जो कि स्टार्ट पॉइंटर था हमारे ए नोड का, तो हमने उसको कहा कि स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू टेम पॉइंटर। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो स्टार्ट पॉइंटर था इसकी वैल्यू चेंज हो गई अब 3000 में, और ये वाली लिंक जो है वो टूट चुकी है, ये वाली लिंक टूट गई है। और ये लिंक किससे बन गई है? ए के साथ। समझ आई अब तान सारी? हमने सीख तो लिया कि बस वो लाइन कैसे जोड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर लॉजिक क्या लगेगी सूडो कोड के अंदर वो ये है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ तुम लोगों से एक सवाल देता हूँ कि अगर मैं ये स्टेप्स फॉलो नहीं करूँ तो क्या मसला आएगा? कोई आइडिया अब्दुल्ला? किसी को भी कोई आइडिया? बेहतरीन जवाब आ गया जी, वैल्यूज लॉस हो जाएंगी। वैल्यूज तो नहीं लॉस होंगी, आपका तो डाटा तो है वहां पे, लेकिन उनका रेफरेंस लॉस हो जाएगा। देखो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। एक तरीका किस चीज का है? अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर डाटा चेंज करना था, ए को पॉइंट करवाना था बी की तरफ, मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो कौन सा तरीका है? मैं स्टार्ट पॉइंटर को इस्तेमाल कर लूँ। स्टार्ट पॉइंटर की मदद से मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैंने पहले ही स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर दिया तो फिर मेरे पास बी का रेफरेंस लॉस हो जाएगा, इसका रेफरेंस लॉस हो जाएगा कि ये 1000 पोजीशन पे था। समझ आया? फिर से समझाऊं इसको? हमारे पास कोई और तरीका नहीं है ए और बी को लिंक करने का। कौन सा तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है जो कि स्टार्ट पॉइंटर को इस्तेमाल करने का है। हम स्टार्ट पॉइंटर को इस्तेमाल करके ए का जो पॉइंटर है उसको बी की तरफ पॉइंट करवा सकते हैं।
इसको जल्दी से लिख लो, बिकॉज because after that we will not have another way to link pointer b to a, the reference of point a will be lost, reference of point b will be lost, sorry, reference of point b will be lost. Link pointer b to a, the reference of b will be lost. Sahi, jaldi se likh lo usko. अब इसके बाद हम लोग आखिरी केस करते हैं अपना. इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द मिडिल. मिडिल मतलब बेसिकली है कोई स्पेसिफिक जगह पे अगर मुझे इंसर्ट करना है किसी भी नोड को. एक चीज याद रखो, इसको हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ फ्री लिस्ट. कोई भी एम्प्टी लिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे कोई भी डाटा आइटम ऐड करना है तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ फ्री लिस्ट को. कोई भी एक खाली लिस्ट को इस्तेमाल करके कोई भी स्पेसिफिक जगह में ऐड करना है मुझे नोट, तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, एक फ्री लिस्ट इस्तेमाल करूँगा. अब्दुल्ला अशफाक साहब ये गायब हो गए. सवाल देख लेते हैं पहले. ये आप लोग के पास पेपर का सवाल है तो और से देख लीजिएगा. 9618 की बात कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों के पेपर हुए थे 2021 के. अच्छा जी, सपोज करो एक मेरे पास लिस्ट है ए सी डी की. ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, सही है. उसने कहा एक आपके पास एम्प्टी लिस्ट मौजूद है, फ्री लिस्ट मौजूद है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ. अब एक एक स्टेप को ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. दरमियान में थोड़ी जगह एक एक स्टेप में लिखता रहूंगा और मैं इसको ऊपर स्टेप वाइज भी लिखता रहूंगा और ऊपर करके दिखाते रहूंगा, सही है. सवाल क्या है मेरा कि एड डेटा वैल्यू बी इन बिटवीन ए एंड सी. एक डेटा वैल्यू है, सही है. उन्होंने नोड नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है, एक डेटा वैल्यू बी है जो कि मुझे ऐड करनी है बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के दरमियान ऐड करनी है. क्यों करनी है, क्योंकि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है, सही है. सबसे पहला काम क्या करूंगा, चेक फॉर अ फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट. ये जो बात कर रहा हूँ ना फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्री लिस्ट की. एक पर्टिकुलर फ्री लिस्ट है, उसमें तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कोई फ्री नोड खाली है या नहीं. ये अब हम केस कर रहे हैं पर्टिकुलर पोजीशन का, ए और सी के दरमियान मुझे डाटा वैल्यू ऐड करनी है, तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए एक फ्री लिस्ट. तो ये सबसे पहले मैं फ्री लिस्ट में क्या चेक करूंगा कि मेरे पास कोई फ्री नोड मौजूद है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर. इसके बाद मैं इसमें अप्लाई करूंगा, एक जगह सर्च करूंगा कि कहाँ पे मैं अपनी डेटा वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ. मैंने यहाँ पे देखा और सबसे पहला आइटम मुझे जो खाली दिख रहा है वो है फ्री लिस्ट के अंदर सबसे पहला नोड खाली है, तो मैंने वहां पर डेटा वैल्यू ऐड कर दी बी, सही है. इसके बाद का स्टेप देखो, ये वाला मैंने स्टेप करके दिखा दिया, मैं इसको लिख कर दे देता हूँ. मैंने पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद असाइन कर दी डेटा वैल्यू इन अ फ्री लिस्ट. लिख लो उसको जल्दी से, असाइन डेटा वैल्यू बी टू द फर्स्ट नोड इन द फ्री लिस्ट. सबसे पहले नोड पे मैंने असाइन कर दी वैल्यू. इसके बाद मैंने क्या किया, पॉइंटर फ्रॉम ए विल बी चेंज टू पॉइंटर, पहले इसको दो स्टेप्स करने हैं आपने. Pointer from A will be changed to point to node containing B and pointer from B will be changed to point to node containing C. क्या मतलब हुआ, ये वाला जो pointer है yellow से करके दिखा रहा हूँ, ये वाला pointer will be pointing towards C और A का जो pointer है will be pointing towards B, सही. ये अभी हम लोगों ने दो steps किए, 4 और 5.
आगे बढ़ते हैं इसको। ये वाला जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 6 देखते हैं। स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट मूव टू पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री नोड, क्या मतलब हुआ इसका? ये वाला जो स्टार्ट पॉइंटर है, दिस विल बी बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्री नोड। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा आइटम किसी भी जगह में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, एक फ्री नोड ढूंढो एक उस पर्टिकुलर फ्री लिस्ट में। सर्च करने के बाद करेक्ट इंसर्शन पॉइंट, आपने डेटा वैल्यू को ऐड करना है। हमने डेटा वैल्यू ऐड कर दी, एक बेसिकली नोड बना रहे हैं हम लोग, एक लिस्ट अपनी बना रहे हैं। पॉइंटर फ्रॉम ए विल बी चेंज टू पॉइंट बी, और पॉइंटर फ्रॉम बी विल बी चेंज टू पॉइंट कंटेनिंग सी। और स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट जो हम लोग करके दिखा दिया कि भाई विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्री नोड, ताकि अगर मुझे कोई और डेटा आइटम ऐड करना है तो फिर मैं उसको फिर से उस पर्टिकुलर फ्री लिस्ट को इस्तेमाल कर सकूं। कोई मसला यहाँ तक? जल्दी से इन स्टेप्स को पढ़ो। ये सवाल का जवाब दो मुझे जल्दी से। मे बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड वेरिएबल्स का सवाल था। देखो ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब किया हुआ है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं वो तुम लोगों को वर्डिंग में नहीं आता। कोशिश करो इसके सवाल के जवाब देने की, 2 मार्क का सवाल है। लिंक लिस्ट को हम लोग एरेज के अंदर और वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ऊपर किया हुआ है हम लोगों ने। कोई माइक खोल के जवाब देना चाहिए, दे दे। इमाद बाय एडिंग न्यू एरे, नहीं बाय एडिंग न्यू लिस्ट, नहीं। अहमद जवाब दो, अहमद माइक खोल के जवाब दो। सर क्वेश्चन समझा दें। चलो मैं, सवाल ये था कि लिंक लिस्ट को एक पर्टिकुलर एरे में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, कैसे बनाया जाता है एक एरे के अंदर लिंक लिस्ट को, कैसे इस्तेमाल। डेटा लिख के और पॉइंटर लिख के, मतलब दो वो बना के। एक अपनी मुझे बेसिकली रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी पड़ती है, ऐसी है। रिकॉर्ड डेटा टाइप बना के फिर उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को मैं एरे के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। उसमें एक वेरिएबल जो होता है वो आपका डेटा का होता है, और एक वेरिएबल पॉइंटर का होता है, उनकी डेटा भी लिख देना है। आसान सवाल था, हम लोग ऊपर कर चुके हैं लेकिन आप लोग इसमें नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने करके दिखाया आपको, ये रहा। पहले हमने एक डेटा टाइप बनाई और उसको हमने इस्तेमाल किया एरे के अंदर। एरे के अंदर इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास एरे बन गया, उसका एरे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कराई। अब इसको जल्दी से लिख लो इसका आंसर। Define a record data type, और उस record data type में क्या क्या चीजें होंगी वो भी देख लो जल्दी से। Define a record data type comprising a data element and a pointer. ये सब हम लोगों ने देख लिया, एक data element होगा और एक pointer होगा। And declare an array of this type, an integer variable to hold the start pointer and an integer variable to store the next free pointer. Point number 2 जो है ये basically आपका pseudocode से related है। हम जब भी linked list बनाते हैं तो हम लोग initialize करते हैं दो variables को, एक start pointer और एक free pointer initialize करवाते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है। पहला वाला आपका arrays की बात कर रहा है। देखो question अगर गौर से पढ़ो ना, arrays और variable दो अलग अलग को बोल रहा था कि implementation arrays और variable से कैसे होती है। तो हमने पहले तो बता दिया कि भाई array को हम लोग record data type बना के array बना सकते हैं, और एक variable बनाते हैं हम लोग start pointer का, एक variable बनाते हैं हम लोग free pointer का। इससे basically क्या पता चलता है हम लोग को, free pointer से हमें पता चल सकता है कि भाई आपका कौन सा index position है जहाँ पे data item आपका सबसे पहला आ सकता है। स्टार्ट पॉइंटर बता दे कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और एक और चीज़ बता सकते हैं, स्टार्ट पॉइंटर अगर कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये आपकी लिस्ट एम्प्टी है। समझ आई? जल्दी से लिखो इसको 2 पॉइंट्स को।
लिख लिया। अच्छा अब आप लोगों का सिवाय बबल सॉर्ट के, बबल सॉर्ट में देखो मैं अभी नहीं करा रहा, मैं उसको कराऊंगा जब मैं आप लोगों को उसका ईयरली पासवर्ड करने को दूंगा, तो उसी वक्त हम लोग बबल सॉर्ट देख लेंगे। कुछ ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने दो कोड याद करने और ज़्यादा कोई बड़े कोड भी नहीं है। सही है, तो आप लोगों का पेपर टू कह लो ख़त्म हो चुका है, अब आप लोगों का काम जो है स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग की जो क्लासेज हैं वो मैं कम कर दूंगा, सिर्फ आपकी क्वेरी बेस्ड क्लासेस दूंगी। अब आप लोगों ने, आज का डेट है 8 सितंबर हो रही है, तो अराउंड 15 सितंबर तक कितने पेपर हैं, एक उसमें 6 पेपर होते हैं, तो अब आप लोगों ने मुझे 6 पेपर सॉल्व करके देने हैं। अब सब गौर से सुन लें इसको, अब आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी कैसी है। हाँ हाँ ट्रेस टेबल आती है भाई पेपर 2 में, ट्रेस टेबल नहीं आती तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा फिर करके। देखो अगर अभी तुम लोग पेपर देने जाओगे ना तो तुम लोग के आएंगे अराउंड 30 मार्क्स, 35 तक आ सकते हैं, लेकिन अभी भी तुम लोगों को मार्क्स जो तकरीबन 50 तक लेके जाने ज़रूरी हैं 75 में से। अब वो कैसे पॉसिबल है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिर्फ और सिर्फ भाई बात ये करना है। अब्दुल्ला शफाक साहब माजरत आपसे, आपको नाम हटा देते हैं हम इसमें से, बाकी सबके, बाकी सबके भाई सुन लो, अब और से सुन लो, अब टाइम नहीं जाया करना। देखो अभी हमारे पास कितने दिन है, आज है 8 सितंबर, 9 सितंबर से सपोज कर लो स्टार्ट करते हैं। 9 सितंबर से मैं कैलेंडर का खोल लूँ ज़रा, 9 सितंबर है आप लोगों के पास। अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है मर्सी आपकी, मुझे फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, जितने लाने लाओ। 9th से आपके पास कितना टाइम है, 30 सितंबर तक का टाइम। अब सबसे पहली चीज सुन लो, देखो तुम लोगों से सवाल अभी भी सॉल्व नहीं होंगे अच्छे खासे, मतलब क्वेश्चन में 5 और क्वेश्चन में 6, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और एक चीज याद रखो, सबसे पहली चीज जो तुम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि मार्क्स स्कीम को तुम लोगों ने हाथ तक नहीं लगाना है। क्या मतलब, हर दिन अब तुम लोग मुझे एक ईयरली पासवर्ड भेजोगे, कब तक, 9 से 15 सितंबर तक। 9 से 15 सितंबर तक कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए आपके, तो इसमें आपने मुझे करके भेजना है 2019 के सारे पास पेपर्स। डेली एक पास पेपर मुझे मिलना चाहिए विद ग्रेडिंग, जो जो चीजें कह रहा हूं उसको लिख लो आप। विद ग्रेडिंग से क्या मतलब है, इसमें तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, इमाज आप भेज देंगे पीपी। अच्छा पासपोर्ट की बात करो, पासपोर्ट तो मैं पूरी दुनिया में मिल जाएंगे भाई, इंटरनेट में भेज दूंगा, अगर कहो तो मसले थोड़ी इतना बड़ा, GCE गाइड पे जाओ वहां पे मिल जाएंगे। लंबी नहीं करो अशफाक साहब, खान साहब, हाँ पीपी भेज देंगे उनको हम लोग। 2019 विद ग्रेडिंग चाहिए मुझे 9 सितंबर से 15 सितंबर तक। एक चीज याद रखो कि तुम लोग इसमें बहुत मसला होगा, लेकिन तुम लोग एक चीज बस इतना दिमाग में रखना कि मार्क्स स्कीम को हाथ भी नहीं लगाना जब तक तुम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए और अपना कोड तुम लोग ना लिख लो, जब तक मार्क्स स्कीम पे हाथ नहीं लगेगा। पहली चीज, कोड लिखने के बाद उसको चेक करो कि लॉजिक आपकी, या तुम लोग ना बाज नहीं आओगे, बस मसला इतना है। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक 2019 के सारे पास पेपर मुझे चाहिए विद मार्क्स स्कीम, विद ग्रेडिंग, उसकी मतलब कितने मार्क्स है तुम लोगों के, बगैर मार्क्स स्कीम को हाथ लगाए। उसके बाद से तुम लोग क्या करोगे, पेपर सॉल्व कर लिया, पेपर सॉल्व करने के बाद तुम लोग मार्क्स स्कीम से चेक करोगे और अपना कोड को बेहतर करने की कोशिश करोगे। जब तक तुम लोगों का कोड, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात कर रहा हूँ, जब तक वो सही ना हो जाए, तुम लोगों ने उसको चेक कर लिया कि हाँ भाई अब इसकी जो लॉजिक है वो सही बन रही है, सारी लॉजिक तुमने कर ली,
चाहे पेपर तुम लोग का 4 घंटे में हो, 3 घंटे में, जितना टाइम लग रहा है लगने दो, मसला नहीं। ये है आप लोगों का 2019 विदाउट टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट की फिक्र नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे और पेपर सॉल्व करना है। 2019 के ग्रेडिंग के साथ और बगैर टाइम मैनेजमेंट के 6 पेपर सॉल्व करके देने, एक एक सवाल को सुकून से बैठ के पढ़ो। क्वेश्चन में 5 और 6 की बात करो, बाकी जो है वो तो जल्दी जल्दी से करके स्टार्ट कर देना। 5 और 6 को एक एक चीज को सुकून से पढ़ो, जब तक तुम लोगों की लॉजिक अपनी बेहतर ना हो जाए उसको सॉल्व नहीं करना, उसको मार्क्स स्कीम से नहीं देखना। जब सॉल्व हो जाए, तुम लोगों का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, फिर उसको ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग कैसे करोगे, मार्क्स स्कीम को खोलो, उसमें सब चीजें लिखी हुई होती हैं कि पहले आपने स्टूडेंट कोड में हेडर और फुटर का 1 मार्क, डिक्लेरेशन का 1 मार्क, वो सब चीजें तुम ग्रेडिंग करोगे। ग्रेडिंग करने के बाद उसके ऊपर मार्क्स लिख के मुझे भेजोगे, भेजने के बाद अपना पेपर खुद चेक करोगे फिर से, और जो गलतियां हैं उनको सही करोगे। ये तुम लोगों का काम है 9 से 15 सितंबर। फिर इसके ऑनवर्ड्स 15 सितंबर से 30 सितंबर आप लोग क्या करोगे, 2018, 2017 और 2020, 2020 के बिल्कुल आखिर में पास पेपर सॉल्व होने, 2018, 2017 और 2020, इन सब के पास पेपर सॉल्व करके देने हैं मुझे। तो ये कितने हो गए, 18 पास पेपर्स हैं, 18 आपने सॉल्व करने हैं 15 डेज के अंदर। एक दिन में 2 करो, ये जितने कर सकते हो करना है तुम लोगों ने। फिर सुन लो, कल से तुम लोग कल मुझे रात के 12 बजे से पहले 2019 ग्रेड करके टाइम मैनेजमेंट के बगैर भेजोगे। उसके बाद से 15 सितंबर के बाद से, और जो गलतियां हों पहले मुझसे डिस्कस करना, जो सवाल नहीं समझ आ रहा, लॉजिक नहीं बन पा रही, उसको डिस्कस कर लो, कोई मसला नहीं मुझे। लेकिन मार्क्स स्कीम नहीं खोलनी है, फिर बता रहा हूँ। मार्क्स स्कीम खोलोगे तो मैं आंसर लगेगा कि भाई बहुत आसान है और तुम लोग उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करो, इसलिए सवाल जो है वो सेम नहीं आते हैं। और अब्दुल्ला इशफाक साहब, अगर आपको लग रहा है कि आपसे पेपर 2 हो जाएगा तो ज़रा जाके 2021 का पेपर सॉल्व कर लीजिए, मुश्किल है कि आपके 40 मार्क्स से ज़्यादा आ सके। सर चैलेंज है, फिर कर लो। चलो सही है, फायदा क्या हुआ फिर? अच्छा सर, नहीं 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 छापता, 40 आपने बोला। हाँ 40 से ज़्यादा सही है। तो बाकी सब ने क्या करना है, फिर जो 2021 के पेपर्स हैं वो मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े बहुत मुश्किल चीजें हैं उसके अंदर, और वो मैं खुद कराऊंगा। कब कराऊंगा, इंशाल्लाह सितंबर के बाद, अक्टूबर के स्टार्टिंग में हम लोग कर लेंगे एक पास्ट पेपर का सेशन, जिसमें 2020 के 2 पेपर आए हुए हैं, 2021 के 9618 के, हम दोनों पेपर को सुकून से बैठ के कर लेंगे। वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल पेपर्स हैं आप लोगों के लिए, लेकिन पहले अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि पास पेपर से जितने सवाल हैं 2019, 2018, 2017 और 2020, ये सारे सॉल्व हो जाए 2020 के एंड में करोगे, ताकि इन क्लासेस के दरमियान में तुम लोगों की बबल सॉर्ट की ऐड कर दूंगा क्लास, तो तुम लोगों का जो भी है 2018, 2017, 2020 के, इसमें मेरे ख्याल से 2020 में बबल सॉर्ट का सवाल आया था, तो वो आप लोगों से हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने 15 सितंबर तक 2019 का पास पेपर सॉल्व करने, और हर दिन एक पास पेपर मुझे भेजना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे 10 सितंबर से ऑनवर्ड्स लिख लो अपने पास, 10 सितंबर से ऑनवर्ड्स मुझे हर दिन एक पेपर 1 का पास पेपर भेजना है ईयरली, सही है? ये है आपके काम। और इस 10 सितंबर से पहले आप लोगों की डेटाबेस की क्लास होगी, वो अब्दुल्ला अशफाक साहब लेंगे आप लोगों की क्लास। जिसने डेटाबेस पढ़ना है वो पढ़ ले, और ना समझ आए तो फिर बता देना, फिर से उसको एक क्लास ले लूंगा मैं। अभी फिलहाल बस इतना दिमाग में रख लो, 9 सितंबर को आई गेस आप लोगों की क्लास रखवा देते हैं डेटाबेस की, आई गेस वही सही रहेगा, ताकि 10 सितंबर से जब ईयरली करने बैठे तो हो जाए सवाल। सर आज आखिरी क्लास थी। यस सर। सर अब आप क्लास नहीं लेंगे? नो सर। सर अगर हम आपकी याद आई फिर क्या जवाब दूंगा तुम्हें इसका? आपके पास जवाब होना चाहिए, आप उस्ताद हैं। अच्छा सर,